मज़हब ज़्यादा ज़रूरी है या पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ज़रूरी है, प्यार ज़्यादा ज़रूरी है, मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी है या मज़हब ज़्यादा ज़रूरी है। बहस को बढ़ाने में इस फिल्म का बहुत बड़ा योगदान होगा और इस बहस का कुछ तो नतीजा निकले, कुछ अच्छा ही निकले, यही दुआ करता हूँ। देखिए, अच्छी फिल्मों का बड़ा अच्छा दौर इस मामले में है। इसको बनाने वालों की कमी नहीं है, इसमें काम करने वालों की कमी नहीं है और इसको आगे बढ़ाने वालों प्रशंसकों की भी कमी नहीं है। तो एक अच्छे दौर में हम लोग रह रहे हैं। चाहे छोटा रिलीज ही सही, आजकल फिल्में रिलीज़ हो जा रही हैं, ये जो एक कतार खड़ी हुई है वो कभी कम ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे मीडियाकर्मी जो हैं उनका सहयोग लगातार बना रहे और जैकम और movies.com और शीला जैसे लोग लगातार इस तरह की मुहिम को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि एक्टरों की कमी नहीं है। एक्टर अच्छा काम करना चाहता है, उसे अच्छा काम देने वालों की नियत की बात है। यहाँ पर नीलिमा जी कई सालों से काम कर रही हैं, सभी जानते हैं इनके बारे में, भावना है, ये सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं और अच्छी बात है कि इस तरह की फिल्में बन रही हैं और हम सबको काम मिल रहा है। तो आप लोगों का सहयोग लगातार बना रहेगा अच्छी फिल्मों की तरफ, हम यही चाहते हैं। देखिए, एक बहुत कमाल का एक आंदोलन हुआ है वो सोशल मीडिया के जरिए हुआ, कि जो बात पहले छुपी रह जाती थी अब वो छुपी नहीं रहती। जो हमारे हिंदुस्तान में कई सालों से एक संस्कृति बनी हुई है कि हम अच्छे काम को नज़रअंदाज कर देते थे, अब आप नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको चाहने वाले बहुत लोग हो गए हैं। जो लोग नज़रअंदाज करते हैं उनके ऊपर सवाल उठाने वाले आप लोग हैं, जनता है, जो सोशल मीडिया के जरिए हमला करती है। इसलिए हम लोग अभी काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। इंटरनेशनल स्तर पे काम करके एक एक्सपोजर मिलता है, आप ट्रैवल करते हैं, आप अलग अलग कल्चर से लोगों को मिलते हैं और आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड, और वो एक्सपीरियंस आप यहाँ लेकर आते हैं, आप वर्ल्ड सिनेमा को एक्सपीरियंस करते हैं और फिर आप आकर भारत में काम करते हैं। यू रियलाइज कि हमारा सिनेमा किसी और सिनेमा से कम नहीं है एंड इट्स जस्ट एब्सोल्युटली एट पार विद एवरीथिंग एल्स। नहीं देखिए, प्रॉब्लम वाली बात है, प्रॉब्लम से डरेंगे तो फिर आप सिनेमा ही नहीं बना सकते। सिनेमा बनाना अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये आप भी जानते हैं, सबसे बड़ी बात है। खासतौर पर इस तरह का सिनेमा, जिस तरह का सिनेमा तौर पर मैंने पहले भी कहा था, मेरी पहली फिल्म आई तब भी मैंने कहा था कि मैं सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं मानता, मैं सिनेमा को बहुत सेंसिटिव माध्यम मानता हूँ। जिस तरह एक जमाने में लिटरेचर बड़ी चीज थी, उस तरह सिनेमा बड़ी चीज है जिसमें कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जरूरी है कि इस तरह का सिनेमा बनाया जाए, अवेयरनेस काफी। ये सिनेमा उस सोच को अभिव्यक्त करता है। आपने अभी सिर्फ एक बात देखी कि एक बच्चे ने कहा कि ऐसा है कि उसकी सोच है, लेकिन उसकी सोच क्या सही है क्या गलत है, ये फिल्म आएगी, जब सिनेमा आएगा तो आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। थोड़ा उसके लिए पूरी फिल्म का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। ये जो आपने डायलॉग सुना वो बिल्कुल इस तरह की बात है कि आदमी मन में क्या सोचता है, जो मन में सोचता है वो होता नहीं जरूरी है। जो ये समझ में आएगा कि भाई किसी भी कीमत पे जीवन में जीने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप पढ़िए, आप आगे बढ़िए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दुनिया एक बराबरी में नजर आएगी, अच्छी नजर आएगी। ये फिल्म उसी तरह का मैसेज। क्या मैसेज क्या होगा फिल्म के अंदर, अगर मैं मैसेज की बात करूं, और इतना सेंसिटिव जब आप सब्जेक्ट चुनते हैं तो विवादों को भी आमंत्रित करते हैं, चाहे वो मौलवी मौलानाओं की तरफ से आ जाएं या राजनेताओं की तरफ से आ जाएं, यू नेवर नो। देखिए, इस फिल्म की स्क्रीनिंग मैंने अभी रिलीज से पहले कई सारी जगहों पर कहे थे, अभी हम JNU में भी जाने वाले हैं। मैंने इस फिल्म की स्क्रीनिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में की और बड़ा जबरदस्त अनुभव रहा, और ये वजह यही थी कि एक बार समझ में आया कि क्या सामने वाले कहते हैं। आपका जो सवाल था, हालांकि उसका जवाब मुझे बहुत एक लाइन का ही लगता है, जो आपने कहा कि सेंसिटिव, क्योंकि सिनेमा को मुझे ऐसा व्यक्ति है, जिसमें पहला भी कहा कि हर बात में जिंदगी में मनोरंजन नहीं हो, सिनेमा बहुत सेंसिटिव माध्यम है। वहाँ एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया इस तरीके से कि भाई मुसलमानों की हालत बड़ी ख़राब है, कैसा होगा, क्या होगा, कैसे होगा। मैंने कहा देखो तुम अभी क्या कर रहे हो, मैंने उसका सवाल का जवाब दिया, मुझे लगता है इसी में आपका जवाब भी शामिल है। मैंने उससे कहा तुम क्या कर रहे हो, उसने कहा मैं ग्रेजुएशन में थर्ड ईयर में हूँ। मैंने कहा ये अलीगढ़ शहर है, उसने कहा हाँ। मैंने कहा तुम्हारे पास अभी 4 अटेम्प्ट है, तुम IAS ऑफिसर बन जाओ, अलीगढ़ के DM बन जाओ, अलीगढ़ के SP बन जाओ, बात खत्म हो जाएगी, कौन तुमको परेशान करेगा, आप कुछ नहीं है, इसलिए आपको लोग, अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप इंजीनियर बन जाएंगे तो कोई थोड़ी इस तरह हैरेस कर पाएगा आपको, ऐसा लगता है। तो ये एजुकेशन वाली बात है, जिंदगी आपकी अगर बदल सकती है एजुकेशन से, यही मुद्दा हमने इस फिल्म के जरिए दिखाने का। क्या ऐसा खास लगा, आपने आप इस फिल्म का हिस्सा बनी हो, कोई ऐसी खास बात जिसके लिए आपने कहा कि यस आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट? देखिए, सबसे पहले तो ये एक एक्टर के पास जब एक डायरेक्टर आता है या राइटर उसके साथ होता है तो आप उसी वक्त समझ जाते हैं कि उसके अंदर कितना जुनून है और उसका नज़रिया क्या है
पर्सपेक्टिव क्या है, विजन क्या है सिनेमा का, और कहानी जो है उसका मुद्दा बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत खूबसूरती से लिखा है ज़रम, एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी कि ज़रम ने बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ, और ये मुद्दा जो है ये वाकई पॉलिटिकली सोशली बहुत सेंसिटिव है, उसको इतना बखूबी इन्होंने लिखा और इतनी ऑनेस्टी के साथ और ईमानदारी के साथ, इतनी मोहब्बत से इन्होंने इतनी मुश्किलात फेस करते हुए इन्होंने अपने किरदार जो हैं उनको जागृत किया और अपनी बात कही। अली छोटा सा बच्चा है, उसकी कहानी है और उसके इर्द गिर्द जो उसके ख़ानदान के लोग हैं और जो वो फेस करता है सिर्फ इल्म पाने के लिए, पढ़ाई के लिए, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पिछड़े हुए जो इलाके हैं वहाँ तक ये फिल्म पहुँचे इंशाल्लाह, और वो लोग समझें कि टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बात ये है कि हम अपने दिमागों को किस तरह से रोशन करें और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। तो ये बहुत ज़रूरी थी, ये फिल्म बहुत ज़रूरी है। आजकल जो हमारा माहौल है और ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे एडुकेशन जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, तो मेरे ख्याल में तो वी शुड अपलॉड ज़ैगम फॉर टेकिंग द हैविंग द करेज एंड टेकिंग इट अपॉन हिमसेल्फ टू टेक फॉरवर्ड द फैक्ट दैट एवरी चाइल्ड इन दिस कंट्री शुड बी एजुकेटेड। थैंक यू सो मच।